दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि भाई भारत में कुल कितनी विधानसभाएं हैं और उन विधानसभाओं में कुल कितने विधायक चुनकर आते हैं और उन विधायकों में से प्रत्येक पार्टी के पास कुल कितने विधायक हैं और वो पार्टी विधायकों के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर कौन सी रैंकिंग पर खड़ी हुई है। हम साउथ की पार्टियों की तरफ कम ध्यान देंगे, हमारा जो कंसंट्रेशन और फोकस है वो नॉर्थ की पार्टियों पर रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल फिलहाल में आज की तारीख तक 30 विधानसभाएं हैं, पहले 31 थी लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद विधानसभा का वजूद समाप्त हो गया। हो सकता है कि वो दोबारा आने वाला है क्योंकि डिलिमिटेशन हो चुका है और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और हो सकता है कि निकट भविष्य में वहाँ पर भी चुनाव हों और विधानसभाओं की संख्या दोबारा से पहले की तरह 31 हो जाए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 4123 विधायक जो टोटल 30 विधानसभाओं से चुने जाते हैं, इन 4123 विधायकों में से बीजेपी के पास कुल विधायकों की संख्या इस समय है 1443, यानी 1443 कुल विधायक इस समय बीजेपी के पास हैं। आप जानते हैं भाई ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है बीजेपी के पास। और दूसरे नंबर पर आती है आपकी पंजे वाली पार्टी यानी श्रीमान राहुल गांधी जी की पार्टी, उस पार्टी के पास 4123 विधायकों में से कुल 753 विधायक हैं यानी करीब भारतीय जनता पार्टी के आधे। और ये पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर दूसरी रैंकिंग पर आती है। जैसा कि आप जानते हैं हमने बताया आपको कि हम साउथ की पार्टियों पर कम कंसंट्रेट करेंगे और हम नॉर्थ की पार्टियों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तीसरे नंबर पर आती हैं भाई अपनी ममता बनर्जी, जिनके कुल विधायकों की संख्या इस समय 236 हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे हम रैंकिंग आते हैं जी, आपके लाल बुजगढ़ बाबा केजरीवाल यानी के मफलर वाले श्रीमान यानी के टोपी वाले महाराज, इनके पार्टी के विधायकों की संख्या 4123 में से कुल 78 हैं, जिसके 62 विधायक दिल्ली में हैं और बाकी बचे हुए विधायक इनके पंजाब में हैं और इनकी रैंकिंग है 10वीं। पूरे भारत में ये 10वीं रैंक पर आते हैं। और 11वीं रैंक पर आते हैं आपके वही राजनीति के मस्खरे, चारा घोटाले में सजा काटकर जेल से बाहर आए श्रीमान लालू प्रसाद यादव, उनके कुल विधायकों की संख्या है 76 और वो रैंक करते हैं 11वें नंबर पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन पार्टियों का आपने देख लिया कि भाई जो मैं पार्टियां इस समय विधायक गिनवा रहा हूँ वो सारे जोड़ करके भी उनको अगर हम प्लस कर दें तो भी वो बीजेपी के विधायकों की संख्या के बराबर नहीं हो पाते। बावजूद इसके भी भाई इनका हल्ला गुल्ला देखें आप, हर बात पे मोदी की आलोचना, हर बात भाई मोदी ने ये कर दिया। मोदी ने कोई भला काम भी किया होगा, कोई अच्छा काम भी आया होगा, उसमें भी नुक्ताचीनी करना, उसमें भी कोई पॉइंट खराब निकाल लेना। अरे भाई आप एक बात बताएं कि जो डेमोक्रेसी है वो तो भाई नंबर गेम है, भाई नंबरों का खेल है। तो जब आपके पास इतने नंबर हो जाए तो आप मोदी के साथ खड़े होने की कोशिश करना, और नहीं तो मोदी का कद इतना ऊंचा है, उसके पास इतनी ताकत है कि आप बीजेपी के बराबरी पर कहीं भी खड़े नहीं हो पाते। अब उसको देख लें आप, लालू के बच्चे हैं भाई, वो आपका नाम क्या है उनका, और वो एकदम से आ जाएंगे भाई मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे भाई तेजस्वी यादव जी आप तो कहीं खड़े नहीं होते भाई, आप 4123 विधायकों में से कुल 76 विधायक लेकर के आप जो पता नहीं कहाँ कहाँ कबड्डी का गेम जीतने के लिए लग जाते हैं। आप जानते हैं कि आप स्वस्थ आलोचना करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको है, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको मिली हुई है, लेकिन आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करें और डेमोक्रेसी में हेल्दी क्रिटिसिज्म करने का सबको अधिकार है। अब आते हैं जब आगे वाली रैंकिंग पर, एक रैंकिंग आपके जी श्रीमान अखिलेश यादव, समाजवादी टोपी लगाए हुए अखिलेश यादव यानी उनकी पार्टी है, और भाई श्रीमान मुलायम सिंह यादव इस समय वो फिलहाल
चुनावी राजनीति से थोड़ा दूर है, स्वास्थ्य खराब है उनका, और हम आशा करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और दोबारा से चुनावी राजनीति में आ जाएंगे। तो ये जो भाई बहरूपिए, भाई नकली समाजवादी, फेक सोशलिस्ट, यानी इनकी पार्टी की संख्या इस समय, यानी इनकी पार्टी की संख्या 15वीं और इनके कुल विधायक है इस समय 51, आप देख रहे होंगे। लेकिन बात बात पे मोदी, बात बात पे योगी, बात बात पे बीजेपी, कोई भी छोटा मोटा काम हो सुबह भाई उठेंगे, एक गिलास पानी पियेंगे और पानी पी करके और फटाफट मोदी की आलोचना करने पर लग जाएंगे, पानी पी पी के उसे कोसने लगेंगे मोदी को, योगी को। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि कहाँ भाई, कहाँ 1443 विधायक और कहाँ आपके पास 51 विधायक, आप देखें कि आप कहीं नहीं ठहरते, कहीं यार उनके बराबर पे भी नहीं ठहरते आप, कहीं मुकाबले माने का कोई मतलब पैदा नहीं होता। बावजूद इसके भी आप भाई मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, भाई आप अभी मोदी की बराबरी करने लायक नहीं हुए, जब आप हो जाएंगे तो जरूर बराबरी करना। जैसे कि भाई कांग्रेस आलोचना करती थी बीजेपी की, हम जानते हैं कि संख्या बल तो डेमोक्रेसी में जरूर होता है लेकिन आम सहमति भी माने रखती है, लेकिन आम सहमति जब ही रखी जा सकती है जब आपके ऐसे कारनामे हो, आपकी ऐसी करतूतें हो, आपकी करतूतें तो ऐसी हैं कि आम सहमति बनाई नहीं जा सकती। आपको याद होगा कि 1984 में जब बीजेपी के सिर्फ दो ही एमपी चुनकर आए थे लोकसभा में, एक आया था भाई गुजरात से और एक आया था आंध्र प्रदेश से, और उत्तर भारत में बीजेपी का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया था। तो पता है कांग्रेस वाले क्या कहते थे, सुन ले भाई कांग्रेस वाले क्या कहते थे, आज कांग्रेस वालों को क्यों बुरा लग रहा है, आज कांग्रेस वाले संख्या बल के आधार पर तानाशाही का भाई क्यों देते हैं ताना, तानाशाही का ताना देते हैं बीजेपी को, मोदी को, कि भाई संख्या बल इतना आ गया तो आप जो अकड़ रहे हैं और आप तानाशाह बन चुके हैं। भाई आप भी 1984 में बीजेपी द्वारा सिर्फ दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के जीतने के बाद आप क्या कहते थे, हम दो हमारे दो, तो किस तरह ताना मारते थे, किस तरह मजाक उड़ाते थे बीजेपी का। लेकिन आज वही बीजेपी है जो आपसे हर मामले में दो गुनी है, और मैं लोकसभा के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लोकसभा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा भाई उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, राज्यसभा के ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा कि उसमें पर पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ है और भाई कौन कितने पर रैंक करता है। और भाई मैं आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इसमें 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि आप जानते हैं कि इन 6 राज्यों में यूनिकैमरल यानी एक सदनीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर 2 सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद इन 6 राज्यों में है। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा कि भाई किस विधान परिषद में कौन कौन पार्टी के कितने MLC हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं और कौन पार्टी किस पर रैंक करती है। अब अंत में हम चलेंगे जी मायावती जी की तरफ, यानी कि वही हाथी वाली पार्टी जो आजकल गन्ने बेच खाकर सोया हुआ है और भाई तालाब में घुस गया आराम से नहा रहा है हाथी, और उनकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। उनकी पार्टी के कुल 22 विधायक हैं और वो ऑल इंडिया स्तर पर रैंक करती हैं 23वें नंबर पर, यानी कि उनकी जितनी रैंक है 23वीं उतने उनके विधायक भी नहीं है पूरे देश में। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भाई ये थी रैंक, थी नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 कांग्रेस, नंबर 10 पर आपके मफलर वाले बाबा, और भाई नंबर 11 पर RJD, वही राजनीति के मस्करे श्रीमान लालू प्रसाद यादव, और भाई फिर इसके बाद 15वें नंबर पर आते हैं आपके नकली और भाई फेक और भाई बहरूपिए समाजवादी श्रीमान अखिलेश यादव, और 23वें नंबर पर आती है भाई आपकी हाथी वाली बहन जी, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में हर पार्क में भाई हाथी इतने लगा रखे हैं कि जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते, और वो पैसा भी आप नहीं गिन सकते जितने पैसे उन्होंने खर्च किए हाथी लगाने में। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप अपने को सुझाव देना चाहते हैं तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, आप अपने सुझाव दें जिससे कि चैनल में और ज़्यादा सुधार लाया सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।